जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं याद रखी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत सी मरता होता, मैं सैर सफरी की बात कर रहा हूँ, अब आप चले जा रहे गार्डन, आप बोल रहे गार्डन जाने से बच्चे बिगड़ जा रहे मेरे, अब गार्डन जाने से बच्चों के बिगाड़ने का ताल्लुक है कि, तो गार्डन की हालत भी अल्लाह रहम कर ऐसे है कि बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, अरे वो आंटी देखो क्या करे अंकल के साथ, अरे बेटे उधर नहीं देखना आंख बंद करो, उधर वो नहीं वैसा क्यों कर रहे थे, वैसा क्यों, अब उनको पूरा समझाओ नहीं बेटे वैसा नहीं वैसा नहीं, समझ रहे आप, हालत भी ऐसे गार्डन और पार्क की हालत ऐसे है ना, आप गलती से अगर बच्चों को तोड़ दे वो झाड़ को देखो आंटी क्या कर रहे हो, एक झाड़ हटा देता और पीछे कुछ तो भी सीन चलते रहता, आप बोलते यार ये कैको ला लिया इसको मैंने, इतना याद रखता पहले तो ये अब मुश्किल है इसको, और एक हफ्ता पूरा पूछते रहेंगे आपसे वो क्या कर रहे थे अंकल, वो क्यों कर रहे थे वैसा, और आप बेटे वो गलत है नहीं फिर भी वो तो कर रहे थे ना आप ले गए थे, बहुत मुश्किल होती है ना। तो फिर सैर व तफरी भी ऐसी जगह हो जहाँ लोग कंट्रोल में हो, या ऐसे वक्त जाए जब लोग कम रहते हो, कभी कभार तो आप गार्डन अलग से तो क्रिएट नहीं कर सकते, इस्लामिक गार्डन नॉन इस्लामिक गार्डन नहीं हो सकता है, तो कम लोग रहते हो ठीक है, ज़्यादा रश ना होता हो, या ऐसे रास्तों पे जहाँ लोग एकदम खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी हरकत ना करे जो बच्चे देख ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बच्चों का प्लेइंग और लर्निंग बोल के कोई दो सेशन नहीं होते, वो खेलते खेलते सीखते और सीखते सीखते खेलते हैं, उनका सेशन अलग नहीं होते, तो आप गार्डन ले जा रहे एक गार्डन लेकिन कई चीज़ें वो देख रहे और सीख रहे, समझ रहे बहुत अहम चीज़ है, और वहाँ आपकी कंटिन्यूस गाइडलाइंस में रहे वो कंटिन्यूस गाइडलाइंस में, और जो है